हाय एवरीवन, मैं हूँ आदर्श राज। और पिछले वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उसमें हम लोग सीखे थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। इन सभी बातों का चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। इस क्लास में इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 में कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यदि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे कि उसका रंग में परिवर्तन हो जाना, उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाना, या फिर उससे गैस का निष्कासित होना, उसका तापमान में वृद्धि हो जाना या फिर कमी हो जाना, अगर ऐसा परिवर्तन किसी पदार्थ में देखने को मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और जिस पदार्थ में ये घटना होती है उस पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। और अभिक्रिया होने के बाद में जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ये तो हो गया अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे समझेंगे कि होता है कि नहीं होता है, तो इसका रीजन हो गया। उसके बाद था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र के रूप में जब लिखा जाता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिल के बनाता है HCl। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखना होगा। देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ इस स्ट्रक्चर को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर ये दोनों अभिकारक हो जाएगा क्योंकि इसी में रासायनिक परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको अभिकारक कहा जाता है। और अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण समझ गए। जब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखा जाता है तो उसका जो एक स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर जो बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब बात ये है कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो रासायनिक समीकरण को देखिए, अभिकारक को एक तरफ लिखा जाता है, उत्पाद को एक तरफ लिखा जाता है, बीच में तीर का निशान दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि इधर से इधर इसमें प्रोसेस हुआ है। ये तो हो गया रासायनिक समीकरण समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम से हम लोग जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अभिकारक में जितना भी एलिमेंट इसमें उपस्थित है, इसमें प्रत्येक एलिमेंट का परमाणु संख्या जितना है उतना ही परमाणु संख्या उत्पाद में उपस्थित एलिमेंट का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 होना चाहिए। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो अभिकारक समझ लिए, उत्पाद समझ लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है ये भी समझ लिए। तो अब हम लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 में कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि मैग्नीशियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है अपने ऊपर में, जिसके कारण वो आसानी से नहीं जलता है। इसीलिए उसको आसानी से जलाने के लिए पहले मैग्नीशियम रिबन, उस मैग्नीशियम में जो उसके ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत होता है उसको साफ किया जाता है ताकि वो आसानी से जल सके। इसका आंसर हो जाएगा।
दूसरा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में तीन रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, उसको बैलेंस करना है। तो पहला है पेज नंबर सिक्स में दो नंबर का एक नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हमको सिर्फ इसका सूत्र के रूप में लिखना है और उसको बैलेंस करना है। ये हो जाएगा, हाइड्रोजन को लिखते हैं H2 और क्लोरीन को Cl2 और ये बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन भी दो है, तो ये यहाँ पर दो बनाना होगा। यहाँ पर हम लोग दो से गुना कर देते हैं तो दो हाइड्रोजन हो गया और दो क्लोरीन हो गया। आप लोग को पिछले वीडियो में हम सिखाए थे कि अगर किसी समीकरण को जब बैलेंस किया जाता है तो यहाँ पर उसका आगे में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए HCl है, तो अगर हम किसी भी संख्या से इसमें गुना करेंगे इसका बाहर में गुना होगा यहाँ पर, ना कि हम यहाँ अंदर में कर दें या फिर ना ही यहाँ पर कर दें और ना ही यहाँ पर कर दें। इस बात को ध्यान में रखना है आप लोग को, जब भी किसी संख्या से गुना करना होगा तो बाहर में करते हैं हमेशा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों मिलकर बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका देखिए दो नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 और इसका हो जाएगा Hol3। अब देखिए ये चीज़ आप लोग को आना चाहिए कि किसी भी यौगिक को कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा कि बेरियम क्लोराइड, ये चीज़ आपको आना चाहिए बेरियम क्लोराइड का कैसे फार्मूला लिखा जाता है। अगर नहीं आप लोग को आता है तो कमेंट में आप लोग लिखिएगा, हम एक वीडियो इसका बना देंगे पर्सनली कि कैसे रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है, उसका यौगिक का नाम कैसे लिखा जाता है। अब देखिए इससे बनता है क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका हो जाएगा AlCl3। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो जिस एलिमेंट का संख्या सबसे ज़्यादा होगा सबसे पहले हम उसी को बैलेंस करते हैं, उसके बाद जो छोटा वाला एलिमेंट होगा जिसका संख्या कम होगा वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन मेरा है कितना, चार यहाँ है और तीन यहाँ गुना होगा, चार से बारह को ऑक्सीजन है, बारह ऑक्सीजन मेरा अभिकारक में है, इधर भी बारह करना होगा। अब यहाँ पर देखिए चार ऑक्सीजन है, क्या करेंगे गुना करने के लिए हम लोग क्या बोले थे, जब भी किसी भी यौगिक एलिमेंट में किसी संख्या से गुना करना रहता है तो उसका आगे में करते हैं, यहाँ पर करेंगे ना कि इस जगह कर दें। तो यहाँ पर हम लोग तीन से गुना करते हैं इसको, यहाँ देखिए तीन चौक बारह हो गया, बारह ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया और यहाँ पर भी बारह ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद जो दूसरा बचेगा एलिमेंट उसको करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए सल्फर है, यहाँ पर कितना तीन सल्फर है, प्रत्येक एलिमेंट में जैसे सल्फर है ऑक्सीजन है यहाँ से प्रत्येक में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर तीन सल्फर हो गया, यहाँ पर भी देखिए तीन से जब इसको मल्टीप्लाई किए तो तीन सल्फर यहाँ भी हो गया है। उसके बाद देखिए बेरियम यहाँ पर तीन हो गया है, तो बेरियम यहाँ पर एक है, इसको यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन बेरियम हो गया। अब देखिए क्या क्या बच गया, क्लोरीन और एल्यूमिनियम बचा है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन यहाँ पर तीन है और यहाँ पर जब इससे तीन से गुना किए तो ये हो गया तीन दूना छः गो क्लोरीन यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो से गुना करना होगा। देखिए यहाँ पर भी दो से गुना करेंगे तीन से, छः क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए तीन दूना छः क्लोरीन, यहाँ भी छः क्लोरीन। अब बच गया एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो है, तो ये बैलेंस हो गया। इस तरह से हीट एंड ट्रायल विधि से इसको बैलेंस किया जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन में सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। सोडियम का होता है रासायनिक सूत्र Na प्लस जल का होता है H2O और ये मिलकर के बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकलता होगा इसमें H2। अब देखिए इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या बताएं, सबसे पहले आप उस एलिमेंट को खोजिए जिसका संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर देखिए दो और एक तीन, तीन हाइड्रोजन है, तो हमको दोनों का संख्या बराबर करना होगा। यहाँ पर हम दो से इसको गुना करते हैं, तो दो से जब हाइड्रोजन में करेंगे, दो हाइड्रोजन यहाँ हो गया और दो यहाँ पहले से, चार हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी दो से गुना कर देते हैं, तो दो से दो गुना होगा, चार हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। अब दो से ऑक्सीजन में जब गुना होगा, दो ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ भी देखिए दो ऑक्सीजन हो गया। सोडियम यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो से गुना कर देते हैं। देखिए अब इसमें आपको देखना है कि अभिकारक में जितना एलिमेंट है इसका प्रत्येक एलिमेंट का संख्या, परमाणु संख्या इधर जितना होगा उतना ही उधर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन चार हुआ था, यहाँ भी चार किए, ऑक्सीजन यहाँ पर दो हुआ, ऑक्सीजन यहाँ भी दो, सोडियम यहाँ पर दो, यहाँ भी दो सोडियम हो गया। इस तरह से बैलेंस किया जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन में भी दो गो रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ वाक्य के रूप में, उसको हम लोग को रासायनिक सूत्र के रूप में रासायनिक समीकरण लिखना है और उसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद साथ ही उसका अवस्था भी लिखना है। तो देखिए ये भी अवस्था लिखने के लिए भी पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि रासायनिक समीकरण में किसी भी एलिमेंट का चार अवस्था होता है, एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है गैस, सॉलिड और एक्वा। जली विलयन को हम लोग एक यू से लिखते हैं और विलयन के लिए एल का यूज करते हैं, लिक्विड होता है, और गैस के लिए जी का, और सॉलिड ठोस के लिए एस। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है तीन नंबर का, तीन नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। देखिए जहाँ पर अघुलनशील का बात आएगा या फिर अवक्षेप का बात आएगा उसके लिए हम लोग सॉलिड इस्तेमाल करते हैं एस, और विलयन जहाँ जल में विलयन रहेगा उसके लिए एक्वा का यूज करते हैं और लिक्विड के लिए एल करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, जल में है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैलेंसी दो होता है, तो इसका वैलेंसी यहाँ आता है, इसका वैलेंसी यहाँ पर आता है, तो Cl का वैलेंसी 1 होता है, तो 1 तो यहाँ पर लिखाएगा नहीं। इस तरह से रासायनिक सूत्र लिखा जाता है, इसको बताएंगे कभी, इसका पर्सनल वीडियो बना देंगे। तो देखिए बेरियम क्लोराइड जल में है तो इसके लिए लिखा जाएगा AQ प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट भी जल में है तो इसका भी AQ लिखाएगा, Na सोडियम सल्फेट Na2SO4, SO4 दोनों एक साथ में रहता है। उसके बाद देखिए ये भी जल में है तो इसके लिए भी AQ का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद इधर लिखते हैं, तीर यहाँ से देते हैं, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl जल में विलयन बन रहा है इसका, तो इसके लिए भी AQ का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है
बेरियम सल्फेट का अवक्षेप सॉलिड बनाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 ये हो जाएगा सॉलिड। तो यहाँ अवस्था लिखने के लिए आप लोग सीख लिए कि जहाँ पर जल में विलयन होगा, जल में घुला हुआ रहेगा, तो उसके लिए AQ का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज L का इस्तेमाल होता है अगर कोई विलयन रहेगा तो। और अवक्षेप के लिए S लिखा था, सॉलिड ठोस। अब इसको बैलेंस करना है। 3 नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि देखिए वाक्य के रूप में लिखा हुआ है दो अभिक्रिया, उसको इस तरह से रासायनिक समीकरण में पहले लिखना है, उसके बाद इसका अवस्था लिखना है, और उसके बाद इसको बैलेंस करना है। अब देखिए बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उस एलिमेंट को खोजेंगे जिसका संख्या ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, ये तो बैलेंस है। सल्फर यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, ये भी बैलेंस है। बेरियम को देख लीजिए, बेरियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसको 2 से गुना करना होगा। उसके बाद सोडियम भी 2 हो गया, सोडियम यहाँ 2 पहले से है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। 3 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा NaOH, चूँकि ये जल में है तो ये AQ लिखाएगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन ये भी जल में है HCl, ये भी जल में है तो AQ लिखाएगा, और ये मिलकर के क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहा है NaCl और प्लस जल बना रहा है H2O। तो H2O के लिए तो एक्वा होगा ही। देखिए इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इसमें देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया, तो बराबर हो गया। दूसरा ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, हाइड्रोजन का संख्या भी बराबर। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन इसमें देखिए कितना, 1, यहाँ भी 1, ये भी बराबर है। सोडियम यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो ये तो बैलेंस पहले से है, सिर्फ इसमें अवस्था लिखना है। अवस्था लिखने के लिए आप लोग को बता दिए कि जहाँ भी जल में बोलेगा कि जल में विलयन है तो AQ लिखाएगा, और अगर किसी द्रव का बात होगा तो वहाँ पर L लिखाएगा, लिक्विड। और ठोस के लिए तो आप लोग जानते हैं अवक्षेप जहाँ रहेगा, अवक्षेप ठोस होता है, उसके लिए S का इस्तेमाल करना है। और अगर कहीं गैस, गैस तो इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, अगर गैस के रूप में जैसे हाइड्रोजन गैस निकलता H2 रहता कहीं, तो उसके लिए G का इस्तेमाल करते। यहाँ पर तो गैस कहीं नहीं निकल रहा है, तो इस तरह से आप लोग बैलेंस कर सकते हैं और इसका अवस्था भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझेंगे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।